हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि थ्री पीस प्रिंसेस कट कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, जिसका नाप है सीना 28 इंच, कमर 24 इंच, लंबाई 12 इंच, गला आगे का 6 इंच और पीछे का 8 इंच। इस नाप का हमने पहले ही पेपर कटिंग कर लिया है और इसी पेपर कटिंग के सहारे हम यहाँ पे ब्लाउज पीस कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो बैक साइड है वो बैक साइड हम कट कर लेते हैं। बैक साइड कट करने के लिए हमें ये जो हिस्सा है, ये जो सेंटर लाइन है, वो सेंटर लाइन हमें कुछ इस तरह से बनानी है। ये जो गले की सेंटर लाइन है और ये जो ब्लाउज की सेंटर लाइन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से रखने हैं। ये अच्छी तरह से रखने से गले की जो चौड़ाई है, उसका जो नाप है, उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा यहाँ से उधर यहाँ वहाँ करते रहे कपड़ा, तो ये जो गले की चौड़ाई है उसमें अंतर आ जाएगा और कंधे उतरने जैसे प्रॉब्लम्स ब्लाउज़ में आ सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। इस तरह से ये हो गई बैक साइड। अब इसके बाद हम बाकी के हिस्से भी कट कर देते हैं। यहाँ से ये जो कटोरी का हिस्सा है, वहाँ से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया है। अब कटोरी का जो दूसरा वाला हिस्सा है, उसको भी हम ये जो राउंड शेप है उस साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग करते समय ये जो हिस्सा है वो स्टिच करने में जाएगा इस तरह से। इसके बाद हम क्रॉस पट्टी कट करेंगे और क्रॉस पट्टी हमें डबल कट करनी है, क्योंकि ये जो ब्लाउज है वो विदाउट अस्तर वाला है, तो इसकी वजह से हमें दो क्रॉस पट्टी की ज़रूरत है। अब इसको हम कट कर देते हैं। सभी पार्ट्स कट करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये है बैक साइड, ये फ्रंट साइड के कटोरी के दो हिस्से हैं और ये है क्रॉस पट्टी। तो आज हमने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से हम थ्री पीस प्रिंसेस कट कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे कर सकते हैं।